हेलो दोस्तों, और स्वागत है आपका टोटल प्रेप यूपीएससी चैनल में, जिसमें राइट नाउ आप देख रहे हैं आज के करंट अफेयर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज न्यूज़ में आया है, और ये इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी वाला टॉपिक है जो कि कितना इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप सबको पता है, और बहुत ही ज़्यादा इसके यूपीएससी में आने के चांसेस हैं। तो मैं चाहता था कि इस पर बहुत ही कंप्लीट क्लैरिटी आपको हो, तो मैंने सेपरेट वीडियो इस पर बनाया है। अपने रोज़ की जो रैपिड राउंड ऑफ वीडियो मैं बनाता हूँ करंट अफेयर्स की, उसमें इसको नहीं डाला है। तो सबसे पहले तो आपको अगर यूपीएससी एग्जाम से रिलेटेड करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहना है तो रोज़ आप मेरी रैपिड राउंड ऑफ वीडियोस को देखा करिए। सारे इंपॉर्टेंट जो है न्यूज़ में उसमें कवर करता हूँ, और हाई पावर एमसीक्यूज भी देता हूँ, और वो आप तभी कर पाएंगे जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरी वीडियोज़ को लाइक करेंगे, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाएंगे कि जब जब मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ तब तब आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अब देखिए ज़्यादा टाइम नहीं है एग्जाम में, तो आप तुरंत से तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब हम आगे बढ़ते हैं, आपको हॉर्नबिल के बारे में बताते हैं। हॉर्नबिल, ये जो आपके स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये एक विशेष प्रकार का पक्षी है जो कि जिसका कि हैबिटेट अरुणाचल प्रदेश में अंडर अटैक है, ऐसा हमें रिसेंटली पता चला है। ठीक है, एक स्टडी बेस्ड ऑन सैटेलाइट डेटा से हमें पता चल रहा है कि एक मेजर हॉर्नबिल हैबिटेट है अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। ठीक है, फॉरेस्ट कवर ऑफ द 1000 स्क्वायर किलोमीटर पापुम रिजर्व फॉरेस्ट, पापुम रिजर्व फॉरेस्ट जो है वो पक्के टाइगर रिजर्व के बाजू में है। ये दोनों जो रिजर्व है और टाइगर रिजर्व है, इसके बारे में आप पढ़ के रख लीजिए, इससे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। साथ ही साथ आसाम का हिस्सा है जो कि इलीगल फेलिंग और एथनिक कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो रहे हैं। पापुम रिजर्व फॉरेस्ट जो है वो एक नेस्टिंग हैबिटेट है, ठीक है, हॉर्नबिल की तीन स्पीशीज का। वो तीन स्पीशीज कौन कौन सी हैं, ग्रेट रेस्ट एंड ओरिएंटल पाइट। साथ ही साथ पापुम रिजर्व के बाजू में जो पक्के टाइगर रिजर्व है, देखिए इसका ओरिजिनल नाम शायद किसी और तरीके से प्रोनाउंस होता हो, पर मैं अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको उससे बता दे रहा हूँ, पक्के टाइगर रिजर्व करके आप इसको याद कर सकते हैं। वहाँ पे चौथी स्पीशीज पाई जाती है जिसको कि रूफस नेक्ट कहते हैं। कैसे याद रखेंगे आप, देखिए यहाँ पर आपके सामने फोटोज है, ग्रेट हॉर्नबिल नॉर्मल, जिसका कि इतना बड़ा सा एक ये ऑरेंज कलर की सिर पे कलगी होती है और ऑरेंज कलर की उसकी बीक होती है, ठीक है। फिर रेथ, रेथ जो होता है गले में अगर आप माला पहना दे, मोटी माला, उसको रेथ कहा जाता है। देखिए येलो कलर की रेथ है इस वाले पक्षी के हॉर्नबिल के बाजू में, तो उसको रेथ हॉर्नबिल कहते हैं। फिर ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल, जिसके कलगी कितनी बड़ी अलग से दिखी निकली, उन्होंने सर पे एक गांधी कैप पहनी हुई है, यहाँ आम आदमी पार्टी वाली टोपी पहनी हुई इन्होंने, तो आप ऐसे याद रखिए, तो ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल उनको कहा जाएगा। और रूफस नेक्ड हॉर्नबिल, देखिए इनके गले में कुछ अलग ही हिसाब है, इनकी बीक भी अलग है बाकियों से, ठीक है, और इनके गले में कुछ अलग ही ऐसा दिख रहा है जो भी ये अपेंडेज कहा जाता होगा, उनको रूफस नेक्ड हॉर्नबिल कहा जाता है। ठीक है, देखिए इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। देखिए इनको फॉरेस्ट इंजीनियर कहा जाता है, या किसको, वो जो हॉर्नबिल है उनको कहा जाता है, और फार्मर्स ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि वो ट्रॉपिकल ट्रीज की बीज को यहाँ से वहाँ बांटने में, डिस्पर्स करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो वो किसी पेड़ पे बैठते हैं, उसका बीज खा लेते हैं, फल खा लेते हैं, फिर वो और कहीं जाते हैं, जंगल में बीट करते हैं, तो वो बीज वहाँ गिर जाता है, वहाँ पेड़ उग जाता है। तो हॉर्नबिल की उपस्थिति से पता चलता है कि जिस फॉरेस्ट में वो हैं वहाँ प्रॉस्पेरिटी और बैलेंस मेंटेन है। कई इस तरह की स्पीशीज होती हैं जिनकी उपस्थिति बताती है कि इस जगह की इकोसिस्टम जो है बहुत बढ़िया चल रही है। तो हमारा जो रिजल्ट, जो जिन लोगों ने स्टडी किया है, वो बताता है कि लॉस और डिग्रेडेशन ऑफ क्रिटिकल हॉर्नबिल हैबिटेट इन द बायोलॉजिकली रिच फॉरेस्ट ऑफ द इंडियन ईस्टर्न हिमालय, ठीक है, कहाँ पर मिलता है, यही आपसे एमसीक्यू में पूछ देगा कि हैबिटेट कहाँ पर है, अरुणाचल नहीं पूछ के इंडियन ईस्टर्न हिमालय आपको ऑप्शन में दे देगा, तो आपको याद रखना है ये वाली लाइन, ठीक है। तो हमको बोल रहे हैं कि ये हैबिटेट उसका जा रहा है करके, ये जो स्पीशीज है खतरे में आ जा रही है, तो हमको इसके हैबिटेट को बचाना है। हॉर्नबिल का शिकार किया जाता था उनके अपर बीक के लिए, उनका जो वो कास्क कहते हैं, और फेदर जो है उसकी, क्यों, क्योंकि वहाँ की जो आदिवासी कोई कुछ जातियाँ हैं, स्पेसिफिकली नीशी ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यू के लिहाज से, निशी आदिवासी जनजाति अरुणाचल प्रदेश की, आपने शायद देखा भी होगा, शायद मोदी जी जब अरुणाचल प्रदेश गए थे तो ऐसा कुछ चुनाव के समय, तो उन्होंने ऐसा कुछ जैसा मोर पंख जैसा बड़ा सा एक पंख उन्होंने पहना हुआ था, तो वैसे ही उसके पंख वगैरह, शायद वो तो नहीं था, पर इसी टाइप का कुछ होगा जो वहाँ के लोग अपने हेड गियर में इस्तेमाल करते हैं कल्चरल सिंबल के तौर पर। लेकिन 20 साल से कंजर्वेशन प्रोग्राम चल रहा है जिससे कि फाइबर ग्लास बीक वगैरह का इस्तेमाल किया गया है, तो इस बर्ड का जो थ्रेट था काफ़ी लार्ज एक्सटेंट तक देखिए बचा लिया गया है। कंजर्वेशन एफर्ट यानी वहाँ के लोगों से बहुत बातचीत करके समझाया गया वगैरह वगैरह, और फाइबर ग्लास बीक भी उनको प्रोवाइड किया गया। अगर आपको चाहिए कि भाई आप इसको अपने जैसे आप गले में बांधते होंगे आभूषण के तौर पर, तो आप फाइबर का हम बना के दे रहे हैं, उसको लगा लो,
एक पक्षी को मार के उसका चोंच निकालने की आपको क्या जरूरत है, तो वैसा करके उनको दिया गया, तो इससे काफी बची है ये जनसंख्या। लेकिन अब जंगल काटने की वजह से इसका खात्मा हो रहा है। ठीक है, देखिए हॉर्नबिल जो है, अब हॉर्नबिल वाली बात तो खत्म हो गई, अब नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल भी होता है हर साल, पहली से 10 दिसंबर तक, तो उससे रिलेटेड आपसे सवाल पूछ लेगा क्योंकि ये चीज न्यूज में आ गई है। ठीक है, तो नागा देखिए इसके बारे में पढ़ लीजिए, नागालैंड जो है वहाँ बहुत सारी ट्राइब्स रहती है जिनके अपने अपने फेस्टिवल हैं। 60% जो पॉपुलेशन है नागालैंड की वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है, तो अधिकतर फेस्टिवल जो है वही बुआई कटाई वाले फेस्टिवल होते हैं, एग्रीकल्चर वाले होते हैं। तो नागास जो है वो अपने फेस्टिवल्स को बहुत पवित्र मानते हैं, तो उन्हें हर जनजाति में इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना एकदम एसेंशियल माना जाता है। अब हर ट्राइब अपना अपना फेस्टिवल मनाएगी तो उनमें आपस में एकता कैसे बनेगी, तो एक तरह से नागालैंड के एक इंटर ट्राइबल इंटरेक्शन को बढ़ाने के लिए और कल्चरल हेरिटेज को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड हर साल हॉर्नबिल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करता है दिसंबर के पहले हफ्ते में। याद रखिए बहुत महत्वपूर्ण है ये, बिल्कुल एमसीक्यू आ सकता है। पहला सन 2000 में ये किया गया था, ये पॉइंट अगेन इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये फेस्टिवल किसके नाम पे रखा गया, देखिए इंडियन हॉर्नबिल के नाम पे रखा गया है, द लार्ज एंड कलरफुल फॉरेस्ट बर्ड व्हिच इज डिस्प्लेड इन द फोकलोर ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टेट ट्राइब्स। तो नागालैंड के जो, देखिए अरुणाचल प्रदेश में इसका वो जो आशियाना है, जो हैबिटेट है वो इंडेंजर किया जा रहा है, ये हम बात कर रहे थे। अब हम नागालैंड में आ गए हैं, नागालैंड के अधिकतर ट्राइब्स में हॉर्नबिल जो है उसको बहुत बात की जाती है, बहुत जिक्र होता है। जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया में आप कहेंगे कि तो गाय है, हिरण है, इस तरह के जानवरों का बहुत जिक्र होता है, मोर है, मोरपंख कितना हमारे यहाँ धार्मिक और पवित्र माना जाता है, उस तरह का हॉर्नबिल का उन लोगों के लिए सिग्निफिकेंस है। ठीक है, ये स्टेट टूरिज्म और आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज करता है, भारत सरकार नहीं, नागालैंड सरकार इसको ऑर्गेनाइज करती है। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है मिलांज, ये तरह तरह के उनका एक जमावड़ा होता है, कल्चरल डिस्प्ले आप देख ही सकते हैं, अलग अलग ट्राइब के लोग आके अपना अपना यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं। फेस्टिवल 10 दिन तक चलता है, आप समझ सकते हैं, कोहिमा जो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा वहाँ पर होता है, तो नागा हेरिटेज विलेज किसामा में होता है बेसिकली वहाँ पे, जो कि कोहिमा से 12 किलोमीटर दूर है, तो ये आप याद रखिए किसामा, ठीक है, वहाँ पर होता है। ऑल द ट्राइब्स ऑफ नागालैंड इस फेस्टिवल में हिस्सा लेते हैं, इस फेस्टिवल का एम है जो वो भी आप नागालैंड के रिच कल्चरल हेरिटेज वगैरह को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो ये आप बात कर रहे थे हम लोग हॉर्नबिल की और हॉर्नबिल फेस्टिवल की। मुझे उम्मीद है कि मेरी कवरेज आपको पसंद आई होगी दोस्तों, और भी अगर आप इस तरह के किसी भी इशू पर रिलेटेड वीडियोस आप चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे पता चले कि हाँ लोग देख रहे हैं मेरी वीडियो, और मुझे और भी वीडियोज़ बनाने का मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।